मौलाना अहमद लात ने सोलापुर रेलवे स्टेशन पर बताया कि क्यों उन्होंने मरकज निजामुद्दीन छोड़ा। उन्होंने बताया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब तुम्हारे दिल आपस में फटने लगें तो ओहद पहाड़ पर जाकर मेरी तलवार तोड़ देना और अपने घरों में बैठकर अपने ईमान की हिफाजत करना। ये दौर फितनों का है, हमें हर काम अल्लाह की रजा के लिए करना चाहिए। काम क्या है ये बड़े बता गए हैं, हमें अपने काम को सही राह में करना है। आज के दौर में कोशिश हो रही है हर गलत काम को सही साबित करने की। हमें हर नए साथी को अपने साथ लेकर चलना है। सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम और उलेमा का मानना था कि सब काम खुद करो और खुद को कुछ ना समझो, पर आज के दौर में काम कुछ नहीं करते और खुद को सब कुछ समझना ये शैतान का रास्ता है। लेकिन साथ के साथ उन्होंने फरमाया था कि जब तुम्हारे दिल आपस में फटने लगे तो पहल पहल पर जाकर मेरे दरवाजे को देना और घर बैठ के अपने दिल ईमान की हिफाजत करें। इस वक्त में फितनों का दौर है, हमें किसी से कुछ नहीं। जैसे मैंने शुरू में कहा, हर बंदे बंदी को बहैसियत बंदा बंदी होने के अल्लाह की जात से जुड़ना, हर काम करने वाले को काम से जुड़ना। काम क्या है बड़े बता गए हैं, किस तरह करना है वो बता, उसको उसूल क्या है, नहज क्या है, तरीके क्या है, किसी से कोई बहस बहसा नहीं। अपना काम करते रहो, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहो। अल्लाह को हमेशा हक ही पसंद है। अब जो कोशिश हो रही है कि हर गलत को सही साबित कर दे, हर नामनासिब को मुनासिब साबित कर दे, उसकी बाकायदा उसके लिए आदमी फीकते हैं और क्या क्या करते हैं। सर हमें किसी को कुछ नहीं कहना, अपनी मस्जिद की मकामी दो गश्ते तालीमें फजाइल की किताबों महीने के दिन दिन हफ्ते वाली गश्ते रोजाना के ढाई घंटे घरों में भी और मस्जिदों में भी आमाल की फिजा, हर नए से नए साथी को सीने से लगाओ, उसकी सलाहियत को समझो, उसको काम पे लगाओ। पुराने साथी आपस में हर एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे, अपने को सहाबा इकराम की सबसे बड़ी सिफत है। अदब का सिद्दीक के बराबर कोई था, लेकिन वो भी कहते थे कल में मुनासिब तो नहीं हो गया, सारा करके अपने को कुछ ना समझना, ये तो है नबूवत का रास्ता, सहाबा का रास्ता। करना कुछ नहीं और अपने को सब कुछ समझना, ये है शैतान का रास्ता। अल्लाह हमारी इबादत फरमावे, हमें तुम्हें सबको कबूल फरमावे, अपने उसी पुराने जगह पर पुराने महल पर अपना काम करते रहो, किसी से बात सही समझ सीखने वाला, उस पर चलने वाला, उसकी मेहनत में आलमी सतह पर नबी की नियाबत में जानो माल इखलास के साथ लगाने वाला बना।